बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नोटिफिकेशन की बात करूंगा और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है कि जिसमें बता दिया गया है कौन कौन से सरकारी डिपार्टमेंट हैं जो कि ओपन रहेंगे, उनके दफातर खुले रहेंगे। और उस हवाले से एक नया नोटिफिकेशन 23 मार्च को कल को इशू हुआ है कि जिसमें उन्होंने बताया है कि और इसकी डिटेल भी सारी बता दी। देखिए, सर्विस से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है और उनके जो स्टाफ है वो भी मौजूद रहेगा, आर रिमेनिंग ओपन। ये तमाम जो तकरीबन 13 के करीब ये सरकारी अदारे हैं जो गवर्नमेंट ने इनको फौरी तौर पर ओपन करने का नोटिफिकेशन जारी किया कि ये तमाम अदारे जो हैं इनके ये खुले रहेंगे और इनका स्टाफ भी वहाँ पे मौजूद रहेगा। सर्विस एंड SG डिपार्टमेंट है जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट, स्पेशल हेल्थ एंड ME डिपार्टमेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रीज कॉमर्स का डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट। इसके अलावा बोर्ड रेवेन्यू और प्रोविजन डिसार्ट मैनेजमेंट वाले भी खुले रहेंगे, लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट वाले भी, HUD और PHE डिपार्टमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ये तमाम डिपार्टमेंट हैं जिसकी तफसील आपके सामने है, आप इनको पढ़ सकते हैं कि जिन पर फौरी तौर पर ओपन करने का, जब जिस तरह गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया हुआ है तमाम जो डिपार्टमेंट हैं उनके मुलाजमीन को भी छुट्टियां कर दी गई हैं और तमाम डिपार्टमेंट बंद कर दिए गए। लेकिन ये चंद तकरीबन 13 ऐसे डिपार्टमेंट हैं सरकारी तौर पर कि जिनकी फौरी तौर पर ज़रूरत पड़ सकती है, और इसलिए इन तमाम डिपार्टमेंट के तमाम मुलाजमीन को भी अपनी ड्यूटी पर हाज़िर होना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।